दोस्तों बहुत बड़ी एक स्पेशल न्यूज़ लेकर आया हूँ। पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे ये यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल न्यूज़ है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में आपके साथ 2 सेमेस्टर मिलेंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ मानी जाती है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैक होते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीज़न है कि आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद चले जाते हो अपने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पे आपको उतना टीचर्स गाइड भी नहीं कर पाते हैं और आपको चीज़ों की थोड़ी सी कमी रहती है, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं जान पाते हो। क्योंकि उसका सिलेबस जो रहता है, अगर आप सेमेस्टर की सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ये सब कुछ कॉमन रहता है। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का, सबके लिए कॉमन है। और उन चीज़ों को आप अच्छे से अगर पहले से जान रहे हैं और उसकी पढ़ाई भी अगर आप पहले से करते रहेंगे, तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप टॉपर तो पहले ही बन चुके हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मालूम है। जो नया बच्चा जा रहा है उसको नहीं कुछ मालूम है, आप सारी चीज़ें जान रहे हो, पहले से पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक नॉलेज रखे रहोगे। चीज़ों को आपको आ रहे होंगे, जब आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो वो क्वेश्चन आप फटाफट से वहाँ पे बता भी रहे होंगे। तो इस तरीके से आपकी भौकाल भी क्लास में बनी रहेगी, पढ़ने में भी अच्छे नंबर लाएंगे और ओवरऑल आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे से जानिए कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं अलग वीडियो में बना के बता दूंगा कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, सारा सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पता है कि रिसवा सेमेस्टर नाम से जो चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। उस चैनल के माध्यम से ही हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप उस चैनल पर जाइए, पहले उसे सब्सक्राइब करके वहाँ पर फॉलो कीजिए। ऐप में भी उसका कंटेंट ऐड हो चुका है, वहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छी तैयारी कीजिए, एकदम ऑनलाइन कोर्सेज से मिनिमम कॉस्ट में रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका पूरा सपोर्ट हम करेंगे। जहाँ पे आपका 1000 2000 इससे ज़्यादा भी पैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में रहेगा। बस आप समझ लीजिए कि एक और मौका फिर से आपके सेमेस्टर में अपने आप को प्रूव करने के लिए मिला है आपको। इसकी तैयारी आप अच्छे कीजिए। पॉलिटेक्निक की एकदम A to Z में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको, और इसका कंटेंट भी तैयार हो चुका है, ऐप में भी चीज़ें जा चुकी हैं। तो आप अपने आप को तुरंत के तुरंत हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जोड़ सकते हैं, और आप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से। और दूसरा लास्ट काम जो आपको करना है, सेमेस्टर वाले चैनल से ही हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मिक्सअप नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल फ्रेश स्टूडेंट रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और इस चैनल पे जिसको मैं बता रहा हूँ उस पे केवल सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे, ताकि आपको चीज़ों को खोजने में दिक्कत ना हो। पता चला आप फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ इंट्रेंस एग्जाम का फिजिक्स का वीडियो मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो कि बाकी जगह होती हैं, मिक्सअप हो जाती है, खिचड़ी हो जाती है, उन सब चीज़ों से आप बचोगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि सर जी आपके लिए बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट में यही लेकर आए थे कि आपकी सेमेस्टर की पूरी तैयारी अब आप रिसवा एकेडमी के द्वारा कर सकते हैं। अभी के अभी तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।